नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण ठाकुर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से, और आज आपके पाठ्यक्रम 510 से विज्ञान का इतिहास एवं दर्शन विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। शिक्षार्थियों, विज्ञान का इतिहास एवं दर्शन विषय पर विमर्श करने से पूर्व हम इसे दो हिस्सों में बांटकर समझने की चेष्टा करेंगे। विमर्श का प्रथम भाग जो होगा वह विज्ञान का इतिहास से संबंधित होगा, और दूसरे हिस्से में हम विज्ञान के दर्शन पर कुछ चर्चा करेंगे। विज्ञान का इतिहास वैज्ञानिक विकास की यात्रा है। विज्ञान का इतिहास का सामान्य अर्थ विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन से है। विज्ञान के विकास एवं इतिहास को हम मुख्यतः तीन कालखंडों में विज्ञान की विकास यात्रा के माध्यम से समझ सकते हैं। प्राचीन काल में विज्ञान, मध्य काल में विज्ञान व आधुनिक काल में विज्ञान। प्राचीन काल में विज्ञान की जो विकास यात्रा रही है उसमें हम पुनः दो मुख्य अंशों में समझने की चेष्टा करते हैं। एक तो भारत में विज्ञान की विकास यात्रा प्राचीन काल में कैसी रही, और फिर विश्व में अन्य देशों में, खास करके पाश्चात्य देशों में, विज्ञान का विकास किस तरह से आगे रहा है, उस ऐतिहासिक यात्रा को हम समझने की चेष्टा करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम पाते हैं कि प्राचीन काल में भारत में गणित, खगोल शास्त्र, कृषि, पर्यावरण, रसायन शास्त्र, वैमानिकी, एविएशन, योग एवं वास्तुकला के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हुए। सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत में माने जाने वाले जो ग्रंथ हैं वो वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व, यानी कि 5000 वर्ष ईसा पूर्व हुई, और इन ग्रंथों में, इन वेदों के जो कर्मकांड के कल्प विधान हैं उन्हें श्रौत सूत्र कहा जाता है, और उन श्रौत सूत्रों में से शुल्ब सूत्र एक प्रसिद्ध सूत्र है, जिसमें कि भारतीय गणित के संबंध में बहुत ही व्यापक विवरण मिलता है। खास करके ज्यामिति, ज्योमेट्री से संबंधित विस्तृत चर्चा हम श्रौत सूत्र में पाते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन समय में, प्राचीन काल में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण कार्य हुए। अगर हम देखें तो प्रमुख चिकित्सकीय विधाएं जो उन दिनों में थी, एक आत्रेय, जिसमें कि इंटरनल मेडिसिन सिस्टम डेवलप हुआ, ऋषि चरक उसके प्रमुख विद्वानों में से एक माने जाते हैं, लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व उनका अस्तित्व था, और आंतरिक चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हुए, इसका प्रमाण हमें मिलता है। उसी तरह एक दूसरी विधा थी चिकित्सा की, जिसे धन्वंतरी कहते हैं। यह मुख्यतः सर्जरी से संबंधित थी, शल्य चिकित्सा, जिसके कि प्रमुख विद्वान सुश्रुत हुए लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व। और तीसरा एक कश्यप, जिसमें कि स्त्री रोग एवं बाल रोग संबंधी कार्य काफी हुए, वाग्भट उसके एक प्रमुख विद्वानों में से रहे। तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान ने अत्यंत महत्वपूर्ण तरक्की की, प्रगति की, और काफ़ी अध्ययन हुए, और मानव सभ्यता के विकास में, मानव सभ्यता की देखभाल में विज्ञान ने अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके साथ साथ विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी बढ़िया अच्छा विकास हुआ। प्रकाश की गति की गणना ऋग्वेद संहिता में उसका उल्लेख मिलता है। उसी तरह से पाई के मान 3.14159265359 तक की गणना के प्रमाण इस काल की आंकिक पद्धति में पाए जाते हैं। हम आर्यभट्ट का नाम हमने सुना है। आर्यभट्ट भारतीय विद्वानों में से एक प्रमुख विद्वान रहे हैं, जिन्होंने खगोल शास्त्र के, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। वराहमिहिर एक और विद्वान रहे, जिन्होंने खगोल शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र आदि के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया है। ब्रह्मगुप्त एक विद्वान हुए, जिन्हें बीज गणित, एल्जेब्रा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ एल्जेब्रा भी कहा जाता है उन्हें। वहीं नागार्जुन एक और विद्वान हुए 931
ईस्वी के आसपास का काल उनका रहा है, जिन्होंने उस समय भी रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। पतंजलि का नाम आज के दिनों में हम सभी जानते हैं। पतंजलि का योग सूत्र एक विश्व प्रसिद्ध योग सूत्र रहा है, जिसमें कि योग योग शास्त्र से संबंधित चर्चा व्यापक तौर पर की गई है। हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, हमारे शारीरिक चिकित्सा से संबंधित विधान, इसमें यौगिक क्रियाकलापों के माध्यम से इसका वर्णन किया गया है। वहीं भास्कराचार्य एक विद्वान हुए जिनका सिद्धांत शिरोमणि विश्वविख्यात है अपने गणितीय सूत्रों के लिए। इसके अतिरिक्त हम सिंधु घाटी की सभ्यता में भी प्राचीन भारतीय विज्ञान की समृद्धि के अनेकानेक प्रमाण पाते हैं। तो यह तो भारतीय जगत में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की प्रगति जो प्राचीन काल में हुई, इसके बारे में हमने कुछ जानने की चेष्टा की। इसी समय में प्राचीन काल में पाश्चात्य जगत में विज्ञान की विकास यात्रा को अगर हम देखें, तो हम पाते हैं कि पश्चिमी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पद्धति की नींव का नेतृत्व किया। इसी समय में ग्रीस में, यूनान में विज्ञान के अध्ययन का केंद्र स्थापित किया गया। हम सभी जानते हैं पैथागोरस थ्योरम के नाम से विख्यात हैं, आर्किमिडीज का उत्प्लावन सिद्धांत, बॉयंसी प्रिंसिपल। आर्किमिडीज, पैथागोरस जैसे विद्वान इस समय में हुए जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। वहीं अरस्तु जैसी वैज्ञानिकों ने पश्चिमी देशों में विज्ञान को संवर्धित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में गणित, भौतिकी एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए। अब हम मध्यकाल में देखने की चेष्टा करते हैं। तो मध्यकाल में भारत में विज्ञान का विकास बहुत अधिक उल्लेखनीय तो नहीं रहा, इसके पीछे कई कारण थे। भारतीय समाज उन दिनों में कई चीज़ों से ग्रस्त था। अंधविश्वास ने लोगों के मनोमस्तिष्क में अपना घर बना लिया था। डॉक्टर्स किसी व्यक्ति का जो मरणासन्न हो या मर गया हो, उसके शरीर को छूने से भी परहेज करते थे उस समय के चिकित्सक। उनका मानना था कि अपवित्र हो जाएंगे, और ऐसे में सर्जरी या फिर आंतरिक चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन वगैरह पर काम काज लगभग ठप सा पड़ गया। यद्यपि हर्षवर्धन के समय तक काफ़ी कार्य हुए, परंतु फिर भी मध्यकाल में उतना संतोषजनक विकास विज्ञान का भारत में खास करके नहीं हो पाया। यद्यपि शेरशाह सूरी और कुछ अन्य मुस्लिम जो शासक हुए, इनके समय में चांदी के सिक्के या फिर बारूद के प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं, जो कि विज्ञान की प्रगति से संबंधित कुछ दृष्टांत हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर भी यह माना जाता है कि विज्ञान की गति थोड़ी सी धीमी पड़ी, परंतु यह वह काल था जब पाश्चात्य जगत में विज्ञान की प्रगति अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही थी। इटली के लियोनार्डो दा विंसी, जिनको लोग एक चित्रकार के रूप में, कलाकार के रूप में जानते हैं, वे एक कलाकार होने के साथ साथ एक महान वैज्ञानिक भी थे। पश्चिमी देशों में यह रेनेसा, पुनर्जागरण का काल था। इस समय में कोपरनिकस ने ग्रहों की गति की पूर्व स्थापित मान्यता को चुनौती दी। टोलेमी का सौरमंडल से संबंधित दिया गया जो एक उनकी जो अवधारणा थी, जिसमें कि पृथ्वी को उन्होंने सौरमंडल के केंद्र में माना था, तो इस धारणा को कोपरनिकस ने अपने प्रयोगों के परिणाम के स्वरूप चुनौती दी और सौरमंडल संबंधी नई अवधारणा का प्रतिपादन किया। यद्यपि उनकी इस अवधारणा को स्वीकार करने में लोगों को सैकड़ों वर्ष लग गए, परंतु अंततः उनकी यह अवधारणा प्रमाणित हुई। गैलीलियो उस समय के महान वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने टेलीस्कोप से ग्रहों और अंतरिक्ष की तरफ, आकाश की तरफ अपने टेलीस्कोप का रुख किया और कई अध्ययन उन्होंने ग्रहों पर किया। सौरमंडल के कोपरनिकस की अवधारणा को उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया। तो यह मध्यकाल एक तरह से पाश्चात्य जगत के लिए बहुत ही अच्छा समय रहा था विज्ञान की विकास यात्रा के लिए। उसके पश्चात हम देखते हैं कि आधुनिक काल में विज्ञान ने किस प्रकार की यात्रा की है भारतीय और पाश्चात्य जगत में। हम सभी जानते हैं कि आज विज्ञान संभवतः अभी तक की अपनी विकास यात्रा के उत्कृष्ट शिखर पर है। पश्चिमी देशों में आधुनिक काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अनेकानेक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आविष्कार हुए, जिसने समस्त मानव सभ्यता को प्रभावित किया। बॉयल का
गैस संबंधी खोज, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, न्यूटन के गति का नियम हम सभी जानते हैं, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की, प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की, जेम्स वाट का नाम हमने सुना है जो स्टीम इंजन के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, फैराडे हुए जिन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, उनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, ग्राहम बेल को हम टेलीफोन के जनक के रूप में जानते हैं। और इन्हीं दिनों में औद्योगिक क्रांति का उद्भव हुआ, परंतु विश्व युद्ध भी हुआ साथ में, जिसमें कि विज्ञान की खोज के भी अनेक दुष्प्रयोग हुए। तो हम पाते हैं कि औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्ध ने विज्ञान के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। आधुनिक भारत में हम अगर देखें तो अंग्रेजों के शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में, यद्यपि विज्ञान के क्षेत्र में विकास तो हुआ, परंतु गति अपेक्षाकृत कम रही। स्वतंत्रता के बाद लेकिन देश में विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हुए। विज्ञान शिक्षण की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित हुई। यूनेस्को प्लानिंग मिशन के सहयोग से विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयत्न किए गए। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने विज्ञान शिक्षण पर बल देने की संस्तुति की, जिसके परिणाम स्वरूप NCERT, SCERT एवं राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs और भारतीय विज्ञान संस्थान IIS एवं अन्य कई उच्च स्तरीय संस्थानों की स्थापना हुई, जिसमें कि भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन आदि की स्थापना से भारत ने विश्व पटल पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। 2008 में चंद्रमा पर भारत ने चंद्रयान भेजा और 2014 में मंगल ग्रह पर यान भेजकर भारत ने विज्ञान की दृष्टि में विश्व के महत्वपूर्ण देशों में अपना एक स्थान बनाया है। तो यह अभी तक की वैज्ञानिक विकास की यात्रा रही है, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत हमने समझने की चेष्टा की है। शिक्षार्थियों, इसके उपरांत हम एक इस चर्चा के दूसरे विषय विज्ञान का दर्शन पर हम जाएंगे, इस पर विमर्श करेंगे। यद्यपि विज्ञान का दर्शन एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है, और दार्शनिक चिंतन की अपनी एक गंभीर और बहुत लंबी परंपरा रही है। हम यहाँ यह जानने की चेष्टा करते हैं कि विज्ञान का दर्शन, जब हम शब्दावली का उपयोग करते हैं तो हमारा आशय क्या है। विज्ञान का दर्शन जो विषय है, इसके अंतर्गत विज्ञान के दार्शनिक तथा तार्किक पूर्व धारणाओं, आधारभूत मान्यताओं तथा उनसे निकलने वाले परिणामों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के दर्शन में अभिधारणाओं के स्वरूप, प्रकृति एवं विकास, परिकल्पनाएं, तर्क एवं निष्कर्ष, विज्ञान की विधा में इनके उपयोग की विधि, प्राकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या तथा भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन जिसे हम कहते हैं, वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने में प्रयुक्त तर्क की प्रकृति एवं स्वरूप, वैज्ञानिक विधि का सूत्रीकरण, कार्यक्षेत्र और उसकी सीमाएं, वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट्स को समुचित वस्तुनिष्ठता से, ऑब्जेक्टिविटी के साथ स्थापित करने वाले साधन, वैज्ञानिक विधियों, प्रविधियों एवं प्रयोग के परिणाम आदि पर विमर्श किया जाता है। विज्ञान का दर्शन, हमने अभी जैसा कि कहा कि यह काफी विशद है, परंतु इसे हम वर्गीकृत करके अगर समझने की चेष्टा करें तो विज्ञान के दर्शन में मूलतः दो प्रमुख कार्य किए जाते हैं दार्शनिक विमर्श में। एक तो इसमें वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की प्रक्रिया होती है, और दूसरा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के सिद्धांत पर चर्चा की जाती है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के दो अंश हैं, एक तो वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया और दूसरी वैज्ञानिक सत्यापन की प्रक्रिया, वेरिफिकेशन प्रोसेस। और इन समग्र चर्चा के अंतर्गत हम वैज्ञानिक धारणाओं, आधारभूत तत्व जो फाउंडेशंस होते हैं विज्ञान के, वैज्ञानिक विधियां, विज्ञान के निहितार्थ इम्प्लिकेशंस ऑफ साइंस और विज्ञान का उपयोग एवं गुण, इस पर चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि
वैज्ञानिक स्पष्टीकरण से हमारा आशय है कि विज्ञान का एक प्रमुख कार्य है कि विज्ञान अपनी प्रकृति एवं परिवेश में होने वाली घटनाओं की व्याख्या करता है। कोई भी चीज कैसे घटित हो रही है या फिर हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, अवलोकन हम करते हैं, उन अवलोकन की जो बारीकियां होती है उस पर विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत विमर्श होता है। अगर आसमान आकाश का रंग नीला है तो वह नीला क्यों है? अगर सूर्योदय या सूर्यास्त की घटना होती है, जिसे कि बाद में लोगों ने खंडित किया कि सूर्योदय या सूर्यास्त जैसी घटना वास्तव में होती नहीं, सूर्य का कभी उदय या अस्त नहीं होता। पहले तो यह धारणा थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और जब वो पृथ्वी के समक्ष होता है तब सूर्योदय होता है, या जब पृथ्वी के पृष्ठ भाग में जाता है तो सूर्यास्त होता है, परंतु यह धारणा असत्य साबित हुई। तो ऐसे में वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है, और वह स्पष्टीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाले वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का परिणाम है, और वह खोज यूं ही वैज्ञानिक तथ्य में या सिद्धांत में नहीं परिवर्तित हो जाता, उसका सत्यापन होता है। तो वह वैज्ञानिक सत्यापन भी किस प्रकार से हो, किस प्रकार से सत्यापन को हम माने कि वही सत्य है, उसने सत्य की खोज की, सत्य को स्थापित किया, ये सब विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। वहीं वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के कुछ सिद्धांत है जिसकी भी चर्चा हम विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत करते हैं। विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत कुछ प्रमुख विमर्श हैं, यद्यपि विमर्शों की श्रृंखला बहुत लंबी है, बहुत लंबी वैज्ञानिक दर्शन या दार्शनिक विमर्श की परंपरा रही है। यहां हम संक्षेप में कुछ जानने की चेष्टा करते हैं कि विज्ञान के दर्शन का सामना किन वादों से, किन विवादों से और किन विमर्शों से हुआ है। इसमें सबसे पहले सृष्टिवाद बनाम विकासवाद का विमर्श आता है। सृष्टिवाद, क्रिएशनिज्म, एक ऐसी धारणा रही है जिसके अनुसार मनुष्य का सृजन किसी अलौकिक सत्ता ने किया है, और वह भी किसी उद्देश्य विशेष से मनुष्य का सृजन हुआ है। यह कुछ विचारक हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसी धारणा रखते हैं, परंतु विज्ञान इसके उलट, इसके विपरीत इसका खंडन करता है, और विज्ञान यह नहीं मानता कि मनुष्य का सृजन किसी अलौकिक सत्ता ने किया है। विज्ञान यह कहता है कि मनुष्य का जो वर्तमान स्वरूप है, यह शुरू से ऐसा स्वरूप नहीं रहा है। इसे उद्विकास का सिद्धांत कहा जाता है कि कभी किसी अन्य प्राणी या जंतु के स्वरूप में उत्पत्ति हुई जीवन की, जो लाखों वर्षों के क्रमिक विकास के उपरांत, लाखों करोड़ों वर्षों के क्रमिक विकास के उपरांत धीरे 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 परिवर्तित होते होते मनुष्य वर्तमान रूप में पहुंचा है। अन्य जीव भी, जो दूसरे जीव भी हैं, इसमें कई लोग कहते हैं कि मनुष्य पहले एप था या वन मानुष था, या फिर जो बंदर जैसी एक प्रजाति होती है, मनुष्य के पूर्वज कदाचित उस रूप में रहते होंगे। यह बहरहाल अलग अलग विचार की एक धारा है। तो इसे विकासवाद या उद्विकास का सिद्धांत कहा जाता है। अब दर्शन का हस्तक्षेप यहाँ इस मायने में होता है, खास करके विज्ञान के दर्शन का, कि विज्ञान का दर्शन बिना प्रमाण के, बिना सत्यापन के किसी भी तथ्य को सत्य नहीं मानता। तो विज्ञान का दर्शन सदैव उद्विकास के सिद्धांत में विश्वास रखता है। यह एक प्रमुख विमर्श विज्ञान के दर्शन का, सृष्टिवाद बनाम विकासवाद का रहा है। यह भी कहा जाता है कि विज्ञान आखिर कहा किसे जाए। आज के समय में भी हम देखते हैं कि अनेक विज्ञान के साथ साथ अनेक अन्य ज्ञानानुशासनों का विकास भी हुआ है, और उन ज्ञानानुशासनों ने अपने साथ शब्दावली में विज्ञान शब्द को भी जोड़ा है। उदाहरण के तौर पर एक तो खगोल विज्ञान है और दूसरा ज्योतिष विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। अब यहां पर यह विमर्श और विवाद सदैव चलता रहा है कि विज्ञान इनमें से किसे माना जाए और किसे न माना जाए।
एक तरफ एस्ट्रोनॉमी है जो ग्रहों की गति के बारे में विमर्श करता है, अध्ययन करता है, वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, जो ग्रहों नक्षत्रों की गणना के आधार पर मनुष्य के भविष्य को बताने का दावा करता है। तो परंतु विज्ञान इसको नकारता है, विज्ञान के अनुसार कि यह ज्योतिष शास्त्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो यह एक प्रमुख विमर्श है विज्ञान के दर्शन में कि विज्ञान कहा किसे जाए। विज्ञान कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान माना जा सकता है, वहीं कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान नहीं माना जा सकता, यह नॉन साइंस कहलाते हैं। और यह अवलोकनात्मक प्रवृत्ति वाला जो भी शास्त्र होता है वह विज्ञान कहलाता है। और ऐसे में कुछ ऐसे ज्ञानानुशासन है जो अवलोकन पर नहीं बल्कि सिर्फ अवधारणाओं या धारणाओं पर आधारित होते हैं, तो विज्ञान या वैज्ञानिक समुदाय ऐसे ज्ञानानुशासन को विज्ञान नहीं मानता। एक मान्यता है कि विज्ञान में परसेप्शन या एक्सपीरियंस और कॉग्निशन, अनुभूति और संज्ञान दोनों का समावेश होना चाहिए। अनुभूति हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियानुभव के माध्यम से हम संकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और उन संकल्पनाओं का परिमार्जन या निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप हमारी जो मेंटल फैकल्टी होती है, हमारी जो मानसिक क्षमताएं होती है, बुद्धि है, रीजनिंग है, उससे हमारे अनुभव से प्राप्त ज्ञान को परिमार्जित किया जाता है। एक दूसरी चर्चा विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत रिडक्शनिज्म है, न्यूनीकरण या सरलीकरण हम इसे कह सकते हैं, जो यह मानता है, यह विचार या ऐसी यह विचारधारा ऐसी है जिसके अनुसार प्रकृति व परिवेश में घटित होने वाली जटिल से जटिल घटनाओं की व्याख्या उनके लघु व सरल घटकों में कर वैज्ञानिक पद्धति से हम कर सकते हैं। तो यह भी एक विमर्श है जिसके कई लोग पक्ष में होते हैं, कई इसके पक्ष में नहीं भी होते हैं। परंतु विज्ञान के दर्शन को सदैव ऐसे विमर्श जीवंत बनाए रखते हैं। एक और चर्चा है प्रत्यक्षवाद, संशयवाद और बुद्धिवाद की। प्रत्यक्षवादी जो हैं वह यह मानते हैं कि विज्ञान के ज्ञान का सृजन सदैव प्रत्यक्ष अनुभवों से होता है। वहीं दूसरी ओर संशयवादी हैं, स्केप्टिस्ट्स हैं, जो स्केप्टिस्ट्स जो हैं, संशयवादी हैं, वो यह मानते हैं कि विज्ञान के सिद्धांत कभी अटल सत्य नहीं होते, इन्हें सदैव संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और जब हम विज्ञान के स्थापित सत्य को, विज्ञान की स्थापित मान्यताओं को संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको जांचते रहने की चेष्टा करते रहेंगे, और जांचते रहने से, निरंतर सतत जांचते रहने से कदाचित किसी नए सत्य का उद्घाटन हो और पुरानी मान्यता खंडित भी हो। और हम पाते हैं कि विज्ञान में ऐसा कई बार हुआ है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की बात हम करें, अगर क्वांटम फिजिक्स की बात करें, या फिर परमाणु की अवधारणा की बात करें, या फिर खगोल शास्त्र में सौर मंडल की अवधारणा की बात करें, तो हम पाते हैं कि पुरानी मान्यताएं खंडित हुई है। वहीं एक और धारणा है वैज्ञानिक विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत बुद्धिवाद की, जो यह मानता है कि ज्ञान की रचना बुद्धि से होती है, इंटेलिजेंस से होता है, और इस तरह से ज्ञान का यह कोश निरंतर बढ़ते रहता है, संवर्धित होते रहता है। वहीं विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत हम ज्ञान के स्वरूप की चर्चा भी करते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत जो ज्ञान है इसका स्वरूप कैसा हो, कितने प्रकार के ज्ञान हम मान सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें हम पाते हैं कि विज्ञान के दर्शन में यह एक अत्यंत रोचक व महत्वपूर्ण विमर्श है, जिसके अंतर्गत हम मुख्यतः तीन प्रकार के ज्ञान की चर्चा करते हैं। एक तो नो हाउ, कार्य विधि संबंधी ज्ञान, दूसरा नो वाई, कारण का ज्ञान, और तीसरा नो दैट, तथ्य का ज्ञान। यानी कि ज्ञान एक तो प्रथम, जैसे हमने कहा नो हाउ, कि कैसे किसी भी चीज को अगर करें तो कैसे करें, दरअसल यह कौशल परक ज्ञान है, क्षमता मूलक ज्ञान है। इसके अंतर्गत छात्र विज्ञान से संबंधित प्रयोग करना सीखते हैं, उनके कौशलों को सीखते हैं, और बिल्कुल शुद्धता के साथ, प्रिसीजन के साथ
प्रयोग करते हैं और प्रयोग से निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता विकसित करते हैं। वहीं नोहा वाय कारण यानी कि प्रकृति में होने वाली घटनाएं कैसे घटित होती है, क्यों घटती है यह घटनाएं, बादल अगर गरजते हैं या बिजली चमकती है या वज्रपात होता है तो क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे। अगर मैकेनिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो किस प्रकार होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। तो यह व्याख्या संबंधी जो विमर्श होता है कि ज्ञान का यह स्वरूप व्याख्या करने पर बल देता है, स्पष्टीकरण करता है घटनाओं का, घटनाओं की व्याख्या करता है, और इसमें वह पूर्व स्थापित नियमों, सिद्धांतों व स्व अनुभव के द्वारा स्पष्टीकरण की प्रक्रिया करना हम सीखते हैं। जो तीसरा है वह है तथ्य का ज्ञान। अब वैज्ञानिक तथ्य जो होते हैं वह अटल होते हैं, उसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, परंतु दर्शन, विज्ञान का दर्शन यह विमर्श करता है कि कोई कैसे जानता है कि वह जानता है। हाउ डज वन नो दैट ही नोज। अगर हम यह दावा करते हैं कि हम किसी चीज को जानते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वह हम जानते हैं, यानी कि जानना किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहेंगे हम। तो इसमें एक जो मुख्य अवधारणा विकसित हुई है, जो कदाचित अभी तक असंदिग्ध रही है, वह यह कि किसी भी तथ्य को ज्ञान के रूप में स्थापित होने के लिए तीन आवश्यक शर्तों का होना जरूरी है। एक तो यह कि अगर हम यह दावा करते हैं कि हम जानते हैं, यह ज्ञान है, तो हमारा उस ज्ञान में विश्वास होना चाहिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य उसके साथ है, आवश्यक तथ्य है, तत्व है, वह यह कि जिस बात पर हम विश्वास करते हैं कि यह ज्ञान है वह सत्य भी होना चाहिए, और सत्य होने के लिए यह अति आवश्यक है कि उसका प्रमाण उपलब्ध होना चाहिए। तो किसी भी ज्ञान के लिए यह तीन आवश्यक शर्तें होती है कि ज्ञान सत्य प्रमाणित विश्वास होना चाहिए, ज्ञान किसी अफवाह पर आधारित नहीं होना चाहिए या अपने मन के कपोल कल्पना पर आधारित बातों को हम ज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। वैज्ञानिक ज्ञान तो विशेष करके ज्ञान की इस अवधारणा पर बल देता है कि ज्ञान वही है जो सत्य हो, जिसका प्रमाण उपलब्ध हो और जिस पर हमें विश्वास हो। तो विज्ञान का दर्शन मूलतः ज्ञान की इन्हीं अवधारणाओं पर विमर्श करता है और निरंतर इस विमर्श से या इन विमर्शों की विभिन्न शाखाओं धाराओं से विज्ञान का संवर्धन होता रहा है, और आगे भी हम विज्ञान की मान्यताओं पर रहकर चलकर विज्ञान को खंडित करने की परंपरा, वैज्ञानिक मान्यताओं को असत्य साबित करने की प्रवृत्ति, इसका यह आशय नहीं कि विज्ञान के दावों को झुठलाएं, बल्कि हम सत्य के और निकट पहुंचने की जो प्रवृत्ति होती है विज्ञान की, इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रख करके वैज्ञानिक ज्ञान का संवर्धन किया जा सकता है, और विज्ञान का दर्शन इस चीज को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। धन्यवाद।